कंप्लेन थी आप लोगों की कि मैंने अभी को गोभी के पराठे नहीं। उस दिन सी का संडे, आप ही बना के खाना। मेरे पुत्र है, मैं इतना इसको ना इस तरह से खोल के कैंडल, आई थिंक इसके अंदर कैंडल ग्रीन कलर के आर्टिफिशियल, मैंने छोटी सी क्यूट सी बुद्धा की ऑर्डर किए थे। अब जाएंगे कहाँ से, ये तो बंद है। की मंगाया तू डेढ़? घर से थान तो है नहीं, रखने के थे रायगढ़ भेज दो मुंडे। दरी बिछा लो और जगराते वांगू बिठा ले सारे थले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज संडे है। पिछले संडे की जो कंप्लेन थी आप लोगों की कि मैंने अभी को गोभी के पराठे नहीं बना के दिए, तो वो जो है आपकी कंप्लेन वो इस संडे होगी फुलफिल। वो क्यों नहीं बना के दिए वो अभी खुद अपने मुंह से ही बताएंगे, है ना? तो क्या है वो आप अभी से पूछना, क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट्स आए हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं मैं तो पढ़ के हैरान होगी। मतलब एक दो कमेंट्स मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि किस किसने क्या क्या किए हैं। गणपति ते जाना सी, उन्होंने छेती विसर्जन करना सी 3 बजे तक। आपां सोचा चलो वापस आके खा लांगे, असीं सोचा ते घंटा लगूगा, है ना? उत्थे घंटे दी थां ते सानूं लगे 3 घंटे। वापस आए 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे दूजा विसर्जन सीगा, फिर तां करके वो मिस हो गया। वो तो मैं मजाक च कह दिंदा हुन्ना, पर जो भी मैं कहना बना दिंदी है जी, गल नहीं है, ऐ नहीं है कि मेरे तो कोई प्रेशर है गल कहन दा। पर मैं फ्रेंकली मैं वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा फूड मैं अपना हिसाब जिन नाल आप ही बना के खाना, बहुत रेयर हुंदा है कि मैं कहां। वो मेरा शुरू तो ही इहो जिहा सिस्टम बनया होया, सिस्टम ही बनया होया। तो उस दिन ता करके मिस हो गए, टाइम करके मिस होए बेसिकली, ना कि आए कि ये कदम मना कर दिए। जो मैं कहना बना दें थोड़ी जी आनाकानी कर दी फिर बना। हाँ जी, की हो रहा बेदी जी, व्हाट इज हैपनिंग? ओ माय गॉड, गोभी दे परांठा, ओ माय गॉड, उत्थे भी परांठा ही सी, इधर की वो भी परांठा ही सी, उदो उत्थे सी का फिर क्या। वाओ, ये मेरे पुत्र है, मेहनत नाल देखो ये पसीना चिट्टे रंग दा आ रहा है, ये चिट्टे रंग दा पसीना आ रहा है, बीच मेकअप इज ड्रूलिंग। ओ टू मच मेहनत। सो आई होप हम जो तुम्हारी कंप्लेंट सी लास्ट संडे दी आज गोभी के पराठे बना दिए मैंने अभी को। सो आपकी जो कंप्लेन थी मेरे पिछले व्लॉग में कि मैं अभी को शायद खाना नहीं बना के देती हूँ, या यू नो उसकी जो मन की इच्छाएं वो पूरी नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टाइम नहीं मिला मुझे लास्ट टाइम, तो नहीं बना पाई, वो ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। अभी एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी। मैंने कुछ डेकोरेशन की आइटम्स मंगवाई हैं अमेज़ॉन से, तो मैंने सोचा प्लेस करूँगी अभी थोड़ा यू नो डेकोरेट करूँगी, तो आपको भी दिखा दूँ कि क्या मंगवाया है। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो है, वेट मैं दिखाती हूँ आपको। सो फर्स्ट जो आइटम है वो मैंने ये लेडर मंगवाई है, लेडर। इसके साथ शेल्फ्स वगैरह भी आई हैं। सो हम इसको ना इस तरह से खोल के
यहाँ पर शेल्फ वगैरह प्लेस करेंगे। 3 साइजेस की शेल्फ हैं, मतलब स्मॉल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सो ये लैडर मैंने अमेजोन से मंगवाया है। कितने का मंगवाया है वो मैं आपको रेट टैग यहाँ पर अटैच कर दूँगी। सो अभी फ़िलहाल मैं इसको कर रही हूँ डेकोरेट। सो कहाँ डेकोरेट कर रही हूँ वो ये जो मेरी, एक मिनट, सो ये जो मेरी वॉल है इसके नीचे सारी खाली जगह है, दिखाती हूँ आपको। हाँ, सो इसके नीचे ना सारी खाली जगह है तो मैं यहाँ पर प्लेस करूँगी। सो सबसे पहले ये बिछा देती हूँ। ये भी आई थिंक मैंने अमेजोन से लिया है, तो इसको यहाँ पर बिछा देते हैं। उसके बाद ये लेटर लगाते हैं यहाँ पर इस तरह से, है ना। सो ये 3 शेल्फ हैं जो मिली थी इसके साथ, तो 3 डिफरेंट साइजेस में है। इसको करते हैं प्लेस। सो जो सबसे छोटा है उसको ऊपर लगाना है, उसके बाद ये उससे थोड़ी सी बड़ी है इसको यहाँ लगाएंगे। यस, और ये है सबसे बड़ी, और फिर इसको लगाएंगे सबसे लास्ट। सो ये मेरी लैडर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी इसके अंदर, मतलब इसके ऊपर मैं थोड़े से डेकोरेशन वाले आइटम्स वगैरह रख देती हूँ। सो क्या क्या नीचे, तो मैं सोच रही हूँ बुक्स रख दूँ, थोड़ी सी अच्छी लगेंगी। सो ये बुक्स हैं जो मैं सोच रही हूँ यहाँ ऐसे प्लेस कर दूँ, है ना। सो ये अच्छी लगेंगी ऐसे। उसके बाद सो ये मैंने कैंडल, आई थिंक इसके अंदर कैंडल रख के आप जला सकते हो। तो ये दोनों कैंडल्स, कैंडल होल्डर या कुछ भी बोल रहे हो, इसको मैं साइड में रख देती हूँ इस तरह से। और जो सेकंड शेल्फ है उसमें मैं ये ग्रीन कलर के आर्टिफिशियल मैंने प्लांट्स पॉट्स वगैरह मंगवाए थे, तो इसको रख देते हैं यहाँ यहाँ यहाँ। सो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और जो सबसे टॉप का है जो शेल्फ, उसमें मैं छोटी सी क्यूट सी बुद्धा की टॉयस रख देती हूँ इस तरह से, है ना। आपको क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ इसका। सो लैडर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अभी लैडर के साइड में ना थोड़ी सी खाली जगह मुझे अजीब सी लग रही है, मतलब वो अलग ही लैडर दिख रही है, तो वो खाली जो जगह है उसको सोच रही हूँ उसको मैं भर दूँ, पर भरूँगी किससे। सो मैंने ये ऑर्डर किए थे जो आपने मॉर्निंग में देखे ही हैं, तो ये एक रेड कलर का है और एक है येलो कलर का, तो ये दोनों मैं साइड में रख देती हूँ। ये वाला येलो ये मैं दूसरी तरफ रख देती हूँ इस तरफ, है ना। सो ये थोड़ा मुझे अभी फिलिंग टाइप दे रहा है, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है सेटअप। आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। एक्चुअली ये मुझे वैसे भी चाहिए थे, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ या कोई भी रील टाइप बनाती हूँ, तो मेरे को एक कॉर्नर चाहिए था जहाँ पर मैं बैठ के थोड़ा अच्छे से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो उसके पर्पस के लिए भी मैंने ये वाला कॉर्नर थोड़ा इस तरह से डेकोरेट कर दिया। सो साइड में 2 बीन बैग ही कह लो आप, तो बैठने के लिए रख दिए, इनकेस अगर आपके घर में गेस्ट ज़्यादा, मतलब मेरे घर में गेस्ट ज़्यादा आते हैं, तो सोफ़ा कभी कभार छोटा पड़ जाता है, तो ये 2 मैंने एक्स्ट्रा वैसे ही मंगवा लिए, तो एज अ डेकोरेशन में भी ये काम आ गए और बैठने के लिए भी काम आ गए। और मैंने एक ना प्लांट मंगवाया है, इनडोर प्लांट जो कि है ये, बट अभी मुझे इसको पॉट में इसकी मिट्टी को ट्रांसफ़र करना है, जो कि मैं सुबह करूँगी, अभी नहीं करूँगी। फिलहाल अभी ये मुझे आप लोगों को शो करना था तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप भी ये सेम ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जो लैडर है वो तो अमेज़ॉन से लिया है, जो बीन बैग हैं वो मैंने, बीन तो नहीं, मतलब जो भी सिटिंग बैग्स हैं वो मैंने लिए हैं पेपर फ्राई से, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्या है ना बॉम्बे का, कई जगह बारिश होती है कई जगह होती नहीं है। अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ देखो एकदम बारिश, ये फिर से शुरू होगी बारिश। यूजुअली बॉम्बे में ना बारिश जो है वो एंड ऑफ, मतलब जब गणपति विसर्जन खत्म होते हैं तब तक खत्म हो जाती है ना।
सो ये है हमारी घर के बाहर की कंडीशन, पूरा गेट वेट सब कवर कर दिया। अब जाएंगे कहाँ से, क्या कह रहे आओ यू टर्न मार के जाओ, यू टर्न नहीं पर वहां से ही बंद है ये वाला बिल्डिंग है बाबा। हाँ तो यही ये वाला बिल्डिंग है सामने, किधर से ये क्रेन? अच्छा उधर से खुला, किधर से? हाँ उधर से खुला है ना। ये एक्चुअली बन रहा है मेट्रो का स्टेशन यहाँ पर हमारे गेट के एकदम बाहर। सो ये तो मुझे लगता है 6-8 महीने और चलेगा काम, मे बी साल भी हो सकता है। सो अभी हम लोग यू टर्न मार के आए हैं और मुझे जहाँ तक लगता है ये जो क्रेन है वो हमारे मेन गेट के बाहर ही खड़ी है ना। माय गॉड क्रेन तो देखो कितनी बड़ी है। कहाँ से जाएंगे चीनो, इन्होंने तो पूरे बंद कर दिए। ये वाले बिल्डिंग में जाना यार, ये वाली बिल्डिंग में जाना। सो इन्होंने हमारा सेकंड गेट जो है वो ओपन करवाया है क्योंकि जो मेन गेट है वो तो बंद हो रखा है। मुझे दिखा नहीं यार दूसरे गेट पे बैठे हैं। सो ये है हमारा सेकंड गेट जो ओपन है, ये तो बंद है बॉस, ये तो बंद है। अच्छा है गार्ड है। देखो जी आलस का ना एक हद होंगी आलसपन की, फर्स्ट फ्लोर ते आने वास्ते इन्हां नूं लिफ्ट की जरूरत पई। इत्थों दे राजे महाराजे इत्थों दी तुहाडे वर्गी राजे महाराजा दी आलस ते कुमार च बैग चक के इत्थों दी तुहाडे वर्गी भीड़ जनता। अच्छा जिन्ना जिथे सारे जा रहे हो उत्थे पिछे तुर जांदे हो, इत्थों दे जिहड़े अपनी राह ढवणांदे पए। अच्छा आई डोंट कॉपी, आई मेक माय ओन। राजे महाराजे बैग भी इन्हां चक के आंदे आ। बीन बैग हटा दिए, यहाँ पर रख दिए क्योंकि हमारे घर पे आए थे गेस्ट, यूजुअली यहाँ पड़े होते तो बहुत अच्छे लगते हैं। आई टू लाइक इट, इवन अभी लाइक इट। तो जी घर आ गए वापस और यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर।